वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 13 जुलाई को जानलेवा हमला हुआ था। बता दें कि उन पर फिर से हमले का खतरा मंडरा रहा है। वहीं मंगलवार को अमेरिका में मिलवॉकी शहर में उनकी रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन के बाहर पुलिस ने 21 साल के एक युवक को AK-47 के साथ गिरफ्तार किया। वहीं इसके कुछ ही समय बाद 43 साल का सैमुएल शार्प दोनों हाथ में चाकू लिए नजर आया। उसने एक व्यक्ति पर हमला भी किया। इसके बाद पुलिस ने तुरंत उस पर फायरिंग कर दी, जिसमें सैमुएल की मौत हो गई। वहीं इन दोनों घटनाओं के बाद भी अमेरिका की पुलिस अलर्ट पर है। वहीं जिस कन्वेंशन वेन्यू के बाहर ये दोनों वारदात सामने आई, वहीं सोमवार को ट्रंप को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था। We'll be right back.